सो हेलो एवरीवन, हियर इज द Hyundai Creta N-Line वेरिएंट 2। ये N-Line वेरिएंट है जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है। तो गाइस सबसे पहले इसका फाइनेंस डिटेल्स डिस्कस करेंगे ये N-Line वेरिएंट का। तो भैया इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ रहा है अभी? N-Line N-Ten है टॉप वेरिएंट का जी। इसका ऑन रोड पड़ेगा 23,913। 23,913 के आसपास पड़ेगा। तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 3,66,000 का डाउन पेमेंट है। तो लोन अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,00,000 का हो जाएगा, 19,34,000। तो EMI पास वाला कितना आने वाला है ये डाउन पेमेंट पे? 40,000 आएगा और 7 साल का 31,000। एक बार फिर से बोल देंगे, 5 साल का 40,000, 40,000 और 7 साल का 31,000, 31,000 के आसपास आएगा। तो शोरूम का लोकेशन क्या हुआ आपका सर? अनिसाबाद बाईपास रोड, ये जस्ट नियर भारत पेट्रोलियम के अपोजिट है लगभग, क्रीस Hyundai। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या हुआ बुकिंग कराना हो तो? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया 700-400-5514। तो ये कांटेक्ट नंबर है। कोई डिस्काउंट वगैरह इस पे चल रहा है अभी क्या? डिस्काउंट अभी कोई ऑफर नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से मिल जाएगा। आपके तरफ से मिल जाएगा, कंफर्म है। ठीक है ठीक है भैया, थैंक यू। तो इसमें आपको ग्रिल वगैरह कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पे N-Line की वेजिंग मिल जाती है और इसमें LED प्रोजेक्टर वाला हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे स्कपलेट वगैरह आपको सिल्वर फिनिश का दे रखा है। नीचे में रेड फिनिश यहाँ पे मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 190 mm का। और यहाँ रेड फिनिश देखने को मिल जाता है आपको ये N-Line में। बात करें तो यहाँ पे जो LY है आपको सिल्वर एंड ब्लैक फिनिश मिल जाता है। और यहाँ N-Line की वायरिंग दे रखी है। ORBM ब्लैक पेंटेड मिलता है। बॉडी कलर रूफलेस भी पूरा ब्लैक दे रखा है। तो यहाँ पे पूरा रेड फिनिश देखने को मिल जाता है क्योंकि N-Line वेरिएंट है। बैक प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो बैक से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। रियर वाइपर मिल जाता है, यहाँ पे आपको शार्क फिन देखने को मिल जाता है यहाँ पे N-Line वेरिएंट में। यहाँ पे कनेक्टिंग वे में आपको रियर लाइट मिल जाता है। यहाँ पे N-Line की वायरिंग दे रखी है और यहाँ पे आपको दे रखा है रेड फिनिश वाला स्टिचेस वगैरह देखने को मिल जाता है। सो गाइस अभी आ चुके हैं N-Line के इंटीरियर के पास। तो इसका इंटीरियर कुछ ऐसा दे रखा है। बाय द वे यहाँ पे Hyundai का लोगो आपको मिल जाता है। और यहाँ पे रेड रेड पूरा ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा पूरे गाड़ी में आपको। और ये इसमें थोड़ा अभी बैटरी का इशू है तो ये ऑन नहीं हो रहा है। सो गाइस बात करें इधर की तो यहाँ पे गियर बॉक्स कुछ ऐसा मिल जाता है, थोड़ा चेंज कर दिया, स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को, ये N-Line वेरिएंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा रेड फिनिश देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ब्लैक कलर का डोर हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सनवाइजर पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो लाइट मिलता है आपको LED दे रखा है। और यहाँ पे आपको मिरर भी देखने को मिल जाता है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम सा लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है जो सीट का एडजस्टमेंट है वो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। जो सीट का एडजस्टमेंट है गाइस ये गाड़ी में, जो कि आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है जो सीट का एडजस्टमेंट है। यहाँ पे ORBM का फोल्ड एंड फोल्ड आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेड फिनिश देखने को मिल जाता है जो कि गाड़ी का लुक को और भी ज़्यादा मतलब एनहांस बना देता है। यहाँ पे रेड फिनिश देखने को मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये डिवाइडेड कंट्रोल वाला AC बेंड्स डिवाइडेड वाला, जो कि यहाँ पे मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह यहाँ पे गियर बॉक्स कुछ ऐसा मिलता है जिसमें N-Line की वायरिंग मिल जाती है। और रिवर्स कैमरा आपको, क्योंकि रिवर्स कैमरा काफ़ी मतलब क्लियर सा दे रखा है इसका। गाइस अभी बैटरी का इशू है तो अभी कुछ ऑन वॉन नहीं हो रहा है इसमें। यहाँ पे मिल जाता है कप होल्डर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑटो होल्ड करके पार्क ब्रेक का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, यहाँ पे देखने को मिल जाता है आर्मरेस्ट। तो बात करें यहाँ की तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में कुछ ऐसा स्पेस दे रखा है गाइस, ग्लव बॉक्स वगैरह में। और बात करें तो ये कंफर्टेबल सा दे रखा है। जो सीट्स वगैरह इसका, जो सीट्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल सा दे रखा है इसका जो सीट्स वगैरह है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको कार्बन फाइबर टाइप का फिनिश देखने को मिल जाता है यहाँ पे। तो चलते हैं इसके अभी सेकंड राउंड में। अभी बैटरी नहीं है क्या इसमें भैया? इसमें बैटरी नहीं है क्या भैया? बैटरी नहीं है। हाँ, परमिशन लिया हुआ है। सो गाइस अभी मैं बैठा हूँ सेकंड रो में। तो सेकंड रो से गाड़ी का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। यहाँ पे मिल जाता है आपको रियर AC वेंट, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लेग रूम वगैरह की बात करें तो लेग रूम वगैरह कुछ ऐसा दे रखा है। सनसेट कर्टन मिल जाता है और पूरा गाड़ी अंदर से ब्लैकआउट कवर से फिनिश अप है क्योंकि ये N-Line वेरिएंट है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स विद LED लाइट देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है अंदर से ये कार दे सकते हैं आप। और यहाँ पे मिल जाता है आपको लेग रूम वगैरह काफ़ी बेटर सा दे रखा है। जो लेग रूम वगैरह काफ़ी बेटर सा मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको ये
लेदर रैप भरा, रेड स्टिचेस मिल जाता है यहाँ पे देखने को। और बात करें तो यहाँ पे आपको ये सीट्स वगैरह पे थोड़ा थोड़ा आपको ये रेड फिनिश देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्पोर्टी लुक देता है गाड़ी को। ऑनलाइन वेरियंट जो है यहाँ पे मिल जाता है। सनसेट कर्टेन आपको इधर की तरफ भी। तो बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर वगैरह की अभी। सो गाइस बीएचपी की बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको 158 बीएचपी आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 158 बीएचपी के साथ 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है ये ऑनलाइन वेरियंट में।